आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के अपने चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही आसान टॉपिक, बिजनेस रिस्क एंड नेचर ऑफ रिस्क। ओके, देखिए रिस्क वर्ड का मतलब हम लोग जानते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है? जैसे आप रिस्क का मतलब क्या समझते हैं? कि कुछ भी ऐसा होना जिससे हमें नुकसान हो, जिससे हमारा कुछ ना कुछ डैमेज हो, यही हम लोग समझते हैं ना। जब हम बात बिजनेस रिस्क की कहेंगे तो इसमें क्या सेंस कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होना, ऐसा ऑक्यूरेंस, ऐसा इंसिडेंट जिससे क्या हो, बिजनेस को लॉस हो, ठीक है ना। सो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है कि ठीक है, चांसेज ऑफ लॉस टू बिजनेस, लॉस इन बिजनेस। ओके, सिंपली तो हम लोग यही समझते हैं ना कि बिजनेस रिस्क का मतलब उन सभी चीज़ों के होने की संभावना, उन सभी चीज़ों के होने की पॉसिबिलिटी जिससे बिजनेस को क्या हो, लॉस हो। बिजनेस को लॉस कैसे हो सकते हैं? कि बिजनेस को प्रॉफिट कम हो, जितना प्रॉफिट हम लोग चाह रहे हैं वो कम हो, या लॉस हो जाए, ठीक है ना। या बिजनेस में जो हमारे बिजनेस में जो चीज़ें, हमारी जो एसेट्स हैं उनको नुकसान हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं उसको नुकसान हो जाए, कुछ ना कुछ मिसहैपन होना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होना वहाँ पे। जब भी देखिए रिस्क होगा तो लॉस जुड़ा होगा, ठीक है ना। रिस्क का मतलब ही है कि लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और लॉस होने की संभावना। तो हम क्या देखते हैं कि बिजनेस रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अनडिजायर्ड इवेंट्स। अनडिजायर्ड इवेंट्स कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसा इवेंट जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हो, ठीक है। सो बिजनेस रिस्क्स आर पॉसिबिलिटी ऑफ, बिजनेस रिस्क्स आर पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट का मतलब जितना हम लोग चाहते हैं प्रॉफिट उससे कम होना, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इसको आप लॉस भी कह सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस हो जाना, ठीक है, लॉस ड्यू टू अनडिजायर्ड इवेंट्स। अनडिजायर्ड इवेंट्स कहने का मतलब कि हम जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ हो, जैसे चोरी हो जाना, आग लग जाना, एक्सीडेंट होना, ये सब क्या है, अनडिजायर्ड इवेंट्स है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो, वैसे ही कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि उसको बिजनेस में घाटा हो, उसके मशीन के कारण किसी को नुकसान हो, उसके बिजनेस में उसके वहाँ पे चोरी हो, स्ट्राइक हो, ऐसा कोई भी इवेंट हम नहीं चाहेंगे जिससे लॉस हो। तो ये क्या है, बिजनेस के रिस्क क्या है, वो सभी पॉसिबल अनडिजायर्ड इवेंट्स हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि बिजनेस के साथ हम जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रिस्क है, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं है, ठीक है। इसी रिस्क के अगेंस्ट हम चांस लेते हैं और जो हमें उसका रिवार्ड मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के लालच में ही, प्रॉफिट से मोटिवेट होके ही ये रिस्क एक बिजनेसमैन क्या करता है, बियर करता है, ठीक है ना। सो अब देखिए बिजनेस क्या है, बिजनेस हम लोगों का क्या है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चेंजेज होते रहते हैं। बिजनेस एक डायनेमिक एग्जिस्टेंस है, एक डायनेमिक आइडिया है। डायनेमिक मतलब चेंजिंग होते रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो फैशन हो, ठीक है, लोगों का फैशन हो गया, प्रोडक्शन का मेथड हो गया, डिमांड हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, ठीक है। मार्केट में तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है वहाँ पे, तो किसी भी एक फैक्टर से वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। बिजनेस डायनेमिक एंटिटी है, बिजनेस एक डायनेमिक आइडिया है। बिजनेस क्या है, बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर के कंपोजिशन है, तो किसी के कारण भी बिजनेस चेंज हो सकता है। अब क्या होता है, कई बार चेंज फेवरेबल भी होते हैं, कई बार अनफेवरेबल भी होते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल मतलब जिससे बिजनेस को घाटा हो सकता है, तो बिजनेस रिस्क में हम किसको लेंगे, अनफेवरेबल चेंजेस को शामिल करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि बिजनेस रिस्क के टाइप क्या होते हैं। तो जनरली जो बिजनेस रिस्क होते हैं उनको दो टाइप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। देखिए टाइप्स ऑफ रिस्क दो तरह का लेके हम लोग चलते हैं, टाइप ऑफ रिस्क, ओके। वन इज स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेटर हम लोग सुने हैं ना, दर्शक। तो स्पेक्यूलेट का मतलब सेंस क्या बनता है, देखना,
ठीक है, और दूसरा है प्योर रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब क्या हो गया, ये वैसे रिस्क हैं जिसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि फैशन बदल सकता है, जो भी बिजनेस कर रहे हो मार्केट में डिमांड बदल सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल में ही हम बात करते हैं कि देखिए आने वाला जो टाइम है वहाँ पे 5G फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये स्पेक्युलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही कुछ ऐसे मार्केट हैं जैसे कपड़ों के हिसाब से ही बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि ये फैशन हो सकता है मार्केट में आए, ये फैशन हो सकता है तो आउटडेट हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे रिस्क हैं जिसको स्पेक्युलेट किया जा सके, जिसके बारे में प्रिडिक्शन किया जा सके, अनुमान लगाया जा सके, वो कहलाएगा स्पेक्युलेटिव रिस्क, ठीक है। जबकि प्योर रिस्क की बात करते हैं, देखिए स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या होगा कि प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, ठीक है। लेकिन प्योर रिस्क ऐसा रिस्क है जिसमें आप कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब प्योर रिस्क का मतलब ही हो गया कि इसमें आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ये जब भी होगा तो लॉस ही होगा, ठीक है। स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या है, आप एक चांस ले सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। जबकि प्योर रिस्क क्या होगा कि यहाँ पे लॉस ही लॉस होना है, जैसे चोरी हो जाना, आग लग जाना, एक्सीडेंट होना, ये जब भी होंगे तो लॉस ही होगा। स्पेक्युलेटिव में क्या है कि आपको लगता है कि मार्केट का फैशन चेंज होने वाला है, तो आपने उसके हिसाब से स्टॉक कर लिया। कस्टमर के डिमांड में चेंज हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो सकते हैं, वो प्रिडिक्ट करके आपने मार्केट अपनी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ, तब तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, चांस है, इक्वल चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बट इन कंडीशन ऑफ प्योर रिस्क देयर इज सर्टेन चांस ऑफ लॉस, ओके। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा, प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होगा। तो टाइप ऑफ रिस्क हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के नेचर को अगर देखते हुए चलते हैं, ठीक है, तो देखिए एक बार, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, कि इसका नेचर क्या है। तो आप देखते हैं कि जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं, अनसर्टेनिटी से, ठीक है। सो इट राइजेज फ्रॉम अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। देखिए जो रिस्क हैं वो अनसर्टेन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सर्टेन नहीं कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन से राइज करते हैं रिस्क। उसके बाद देखिएगा कि कोई भी बिजनेस है उसमें रिस्क होगा ही, तो ये बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप किसी भी बिजनेस को रिस्क से अलग नहीं कर सकते हैं, आप बस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। तो रिस्क क्या है, बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है ना, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। इट कैन नॉट बी एंडेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली, इसको ख़त्म कभी नहीं किया जा सकता है, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो रिस्क का अमाउंट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे। अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। देखिए जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, आ रही है ये बात समझ में, ठीक है। बिजनेस के साइज पे ये डिपेंड करता है रिस्क। उसके बाद आप देखिएगा तो जो रिस्क के अगेंस्ट जो हम लोग रिस्क ले, जो भी बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं, उस रिस्क को वो किस लिए लेते हैं, प्रॉफिट के लालच में लेते हैं, प्रॉफिट के उम्मीद में लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिवार्ड ऑफ प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क, प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क, ओके, या द रिवार्ड अगेंस्ट रिस्क टेकन इज प्रॉफिट, ठीक है। नेचर ऑफ रिस्क हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि रिस्क के कारण क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ओके। चलिए, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ओके, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके,
सबसे पहले देखिए बिजनेस रिस्क के कॉज क्या है, हम लोग नेचुरल कॉज देखते हुए चलते हैं। तो नेचुरल कॉज में क्या होंगे, ये जो फैक्टर्स होंगे वो नेचर के कारण होते हैं, जैसे फ्लड हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गए, ठीक है, फेमिन हो गए। सो दीज आर नेचुरल फोर्सेस कॉज्ड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, कैलमिटीज। देखिए आज के कंडीशन में, अभी जो ये कोरोना का पैनडेमिक है, बहुत सारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिस्क है, ये कैसा रिस्क है, कैसा रिस्क है, ये नेचुरल रिस्क है, ठीक है ना, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, ये नेचर से, नेचर के कारण हुआ है, ठीक है। दूसरा आप देखिएगा तो ह्यूमन कॉज है, ह्यूमन कॉज में यहाँ पे जो रिस्क होंगे, ठीक है, वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होंगे। जैसे आप क्या कह सकते हैं, फैशन में चेंज होना, जैसे आप कह सकते हैं कि वर्कर्स जो हैं उनका स्ट्राइक हो गया, ठीक है, वर्किंग कल्चर, वर्कर्स जो हैं वो, वर्कर का जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, काम के प्रति डिसलॉयल है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है। यहाँ जो रिस्क है वो आदमी के व्यवहार पे डिपेंड करता है, जो भी बिजनेस है उसके, उसमें काम करने वाले लोगों का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, उनका कैरेक्टर कैसा है। तो अगर वो ईमानदार हैं तो बिजनेस प्रॉफिट करेगा, अगर वो बिजनेस के प्रति क्या है, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, अपने काम को सही से कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई देगा अदर कॉजेज, ओके। अदर कॉजेज में हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। चेंज इन फैशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे रिस्क जुड़ा होता है बिजनेस का, ठीक है, ओके। आपको ना क्या करना है, क्वेश्चन है आपके लिए, यू हैव टू सजेस्ट सम मेथड टू डील विथ बिजनेस रिस्क, ठीक है, सजेस्ट सम मेथड्स टू डील विथ बिजनेस रिस्क, इसका आंसर आपको करना है, ओके। तो आज का हम लोगों का टॉपिक यही बिजनेस रिस्क है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट्स होता है, तो आप प्लीज़ हमारे इंटरेक्टिव सेशन में अपने क्वेश्चन को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।